हेलो स्टूडेंट्स हैव यू ऑल होप यू आर ऑल फाइन एज यू नो दिस इज़ आर हिंदी क्लास एंड डू यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे क्या आप जानते हैं हमने अपनी पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा जी हमने कुछ मात्राएं पढ़ ली आज हम उन्हीं मात्राओं में से तीन मात्राओं की पूर्णवृत्ति करेंगे आ की मात्रा छोटी की मात्रा तथा बड़ी की मात्रा पहले हम पूर्णवृत्ति शब्द का मतलब समझते हैं पूर्णवृत्ति का मतलब होता है रिविजन रिवाइवल आज हम इन्हें दोबारा पढ़ेंगे ऑलरेडी हमने ये मात्राएं पहले पढ़ चुके हैं हम आज हम इन्हें दोबारा पढ़ेंगे आ की मात्रा जो आप लाल रंग की डंडी को देख रहे हैं इसे हम आ की मात्रा कहते हैं हमेशा कोई भी मात्रा शब्द की शुरुआत में नहीं आती है यदि शब्द को शुरू करना है तो हम या तो स्वर से करेंगे या तो व्यंजन से करेंगे परंतु मात्राएं कभी भी शुरुआत में नहीं आती हैं या तो ये शब्द के बीच में आती हैं या तो शब्द के आखिर अंत में आती हैं जैसे यहाँ पर है छाता छ छा आ ता छाता छा किसे कहते हैं अम्ब्रेला आ की मात्रा र कार मोटर को बोलते हैं व्हीकल को बोलते हैं इंग्लिश में कार बोलते हैं तबला तबला किसे बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अ पेयर ऑफ ड्रम्स जिन्हें दो हाथों से भजाया जाता है आओ ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। यहाँ पर आप देखेंगे ज के नीचे जो बिंदी है इससे ये ज बन जाता है अगर बिंदी नहीं होती तो हम इसको जोर हैं सो so, बिंदी लगाने से ये ज बन जाता है जोर जोर से पढ़ें। काल क आला काल काल का मतलब होता है एरा पीरियड टाइम और टेंस बीता हुआ समय काला काला मीन्स ब्लैक कलर तान तान बोलते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक में टेक्निक यूज होती है ताना ताना हम यदि आ, किसी को हम बुरा शब्द बोलेंगे बुरे नामों से पुकारेंगे तो हम उस पर ताना कसते हैं उसे हम बोलते हैं ताना खाल खाल हम किसे बोलते हैं खाल हम बोलते हैं चमड़े को स्किन को यूजुअली ये शब्द जानवरों की खाल के साथ इस्तेमाल होता है खाला खाला उर्दू शब्द है मौसी को बोलते हैं इंग्लिश में मैटरनल आंट को बोलते हैं बाल बाल मीन्स हेयर बाला बाला बोलो या बालिका बोलो या लड़की बोलो ये हम यंग गर्ल को बोलते हैं ताल ताल मीन्स रिदम बीट ताला ताला मीन्स लॉक तार वायर तारा स्टार या अगर काफ़ी तारे होंगे तब हम तारे कहेंगे अनेक तारे माल वेल्थ माला नेकलेस या किसी का नाम भी होता है छाल छाल मीन्स बाग और क्रस्ट ऑफ ए ट्री तना जिसे कहते हैं हम छाला छाला ब्लिस्टर्स को बोलते हैं अल्सर्स को बोलते हैं जो अक्सर किसी के जलने या किसी के ज़ख्मी होने पर निकल आते हैं जाल जाल हम बोलते हैं नेट को जाला जाला वेब को बोलते हैं जो स्पाइडर्स बुनते हैं लाल लाल मीन्स रेड कलर लाला लाला हम यूजली इंडिया में अमीर शख्स को बोलते हैं जो वेल्दी मैन होता है उसे हम बोलते हैं लाला जो यूजुअली बिजनेस करता होता है पढ़ो नाथ तथा माया पाठशाला जा नाथ जो है नाम है माया फीमेल नेम है पाठशाला स्कूल को बोलते हैं विद्यालय को बोलते हैं माया पाठशाला कार से गई वह कार से स्कूल गई नाथ तथा माया साथ गए वह दोनों एक साथ गए तथा मीन्स एंड और घर वापस आकर खाना खाए दोनों ने घर जब लौटे तो उन्होंने खाना खाया माया ने छाछ पी छाछ पता है किसे बोलते हैं छाछ इंग्लिश में बटर मिल्क को बोलते हैं ये कैसे बनता है जब हम दूध से बटर को निकालना चाहते हैं जब हम दूध को काफ़ी फेंटते हैं और बटर निकालते हैं पीछे जो बचा हुआ दूध होता है उसे हम छाछ कहते हैं नाथ तथा माया बाज़ार जाकर बाजा लाए ये दोनों मार्केट गए और वहाँ से इन्होंने बाजा लाया बाजा इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब हम छोटी की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे इस मात्रा के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा किसी भी व्यंजन से पहले लगती है आवाज़ तो उस व्यंजन के बाद में आती है लेकिन लगती है इस व्यंजन के पहले जैसे यहाँ पर देखिए चित्र देखो पहचानो और नाम बोलो हे रन ह के पहले लगी है इकी मात्रा लेकिन ह के बाद की आवाज़ आई है जैसे इंग्लिश में एच आई हि हे रन चे चिड़िया चिड़िया किसे बोलते हैं स्पैरो को बर्ड है हिरन किसे बोलते हैं डियर को एनिमल है गिटार गिटार इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में भी गिटार ही बोलते हैं आओ जोर जोर से पढ़े लेट वी रीड इट लाउडली दिन दिन किसे बोलते हैं डे किरण किरण किसको बोलते हैं बीम को या किसी लड़की का नाम भी होता है या टिक किया यहाँ पर भी आप देखिए लाल रंग से आपको नजर आएगा कि जो लाल रंग की लकीरें हैं ऊपर थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं सो ये छोटी की मात्रा है के या टिकिया सो बार को भी बोलते हैं टैबलेट को भी बोलते हैं या पिल को भी बोलते हैं हिन हिन्न हिन हिन्न हिन, गो घोड़े की साउंड को बोलते हैं जो घोड़ा आवाज़ करता है हि हिनाता है ने इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं हिन हिन गिन गिन मीन्स काउंटिंग गिनती करना गिनना नियम नियम मीन्स रूल डिबिया डिबिया स्मॉल बॉक्स रिम जिम रिम जिम का मतलब होता है बूंदा बांदी होना या ड्रिजलिंग इंग्लिश में कहते हैं या शॉवर भी बोलते हैं दिल हार्ट यहाँ पर दिखाया है मिलन मिलन मीन्स मिल जाना यूनियन मीटिंग बछिया बछिया फीमेल काफ को बोलते हैं जिस तरह से बछड़ा मेल काफ होता है फीमेल काफ बछिया कहलाती है किशमिश किशमिश किसको बोलते हैं रेज़न्स को ड्राइड ग्रेप होते हैं ये जो ड्राई फ्रूट है मिल मिल मीन्स किसी को मिलना हिरन डियर पहिया पहिया व्हील को बोलते हैं गिरगिट गिरगिट कैमिलियन को बोलते हैं जो अक्सर अपने रंग बदलती है जो उसके सराउंडिंग्स में जैसा माहौल होता है वैसा ही वो रंग बदलती है हिल हिल मीन्स मूव करना टिकट टिकट होता है वह कोई कागज़ पत्री जो हमें एक पास के रूप में मिलती है जैसे हमें डॉक्टर के पास जाना है वो डॉक्टर हमें तभी अलाउ कर जब हमारे पास टिकट होगी कोई थिएटर है कोई सिनेमा है या कोई भी ऑफिस है जहाँ पर हमें पहले टिकट दिखानी होती तभी हमें एंट्री करती है सो इट इज़ कॉल्ड पास हेयर तकिया तकिया कुशन को बोलते हैं या पिलो को बोलते हैं बिन भिन बिन बिन, बिन मक्खियों की आवाज़ को बोलते हैं बजिंग साउंड ऑफ फ्लाइज पड़ो चिड़िया बगिया से आई चिड़िया मीन्स स्पैरो बर्ड बगिया मीन्स स्मॉल गार्डन से आई वह ललचाई ललचाई मीन्स कि उसका मन बड़ा ही ललचाई टेम्पटेड हुआ फिर चहचहाई उसके बाद वो चहचहाई चहचाई मीन्स उसने अपनी आवाज़ की जो चिड़िया की आवाज़ होती है चर्पिंग ऑफ बर्ड जिसको हम बोलते हैं किरण बाहर निकल आई किरण लड़की का नाम है वह इसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई किरण चिड़िया को दाना दिया कि किरण ने चिड़िया को दाना दिया दाना मीन्स ग्रेन वगैरह कॉर्न उसने उसको खाने के लिए दिया हिरन बगिया से भागा अब यहाँ पर है हिरन हिरण को कह रहे हैं कि ये भी बाग से भागा बगिया मीन्स छोटे गार्डन से भागा हिरनी को साथ ले भागा हिरनी मीन्स फीमेल डियर फीमेल डियर को इंग्लिश में डोबी बोलते हैं वह उसको लेकर भागा सब गिर गिर उठ उठ भागे वहाँ पे गिर रहे थे कुछ उठ रहे थे और भाग रहे थे फिर खटिया पर सो जाते खटिया बेड को बोलते हैं या कॉट को बोलते हैं अब हम बड़ी की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे चित्र देखो पहचानो नाम बोलो यहाँ पर भी हमें चित्र पहचानने हैं हमें पिक्चर्स को पहचानना है उनको नाम बोलना है सी टी स के साथ लंबी मात्रा जो है ई की इसकी लंबी आवाज है जैसे डबल ई है सी टी सी टी मीन्स विसल जिसमें टी साइलेंट रहता है विस्टल नहीं पढ़ना विसल बकरी बकरी मीन्स गोट एनिमल है डोमेस्टिक एनिमल मछली एक्वाटिक एनिमल वाटर एनिमल फिश आओ जोर ज़ोर से पढ़ें खीर स्वीट डिश चीनी चीनी मीन्स शुगर शुगर कभी नहीं बढ़ना शुगर कबीला 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 मीन्स ट्राइप मदारी जयगर जिसको बोलते हैं चील चील किसको बोलते हैं ईगल तीखी तीखी मीन्स स्पाइसी गलीचा कालीन कारपेट पतीली यूटेंसिल कोई भी छोटा बर्तन जिसको हम बोलते हैं यूटेंसिल तीर एरो मीठी स्वीट पसीना, स्वेट शिकारी शिकारी किसको बोलते हैं हंटर नील मीन्स ब्लू लीची इज़ अ फ्रूट महीना मंथ छिपकली लिजर्ड नीम नीम का पेड़ होता है काफ़ी इससे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं शीशी जैसे दवाई की शीशी हम बोलते हैं सो so बॉटल शरीफा शरीफा इज़ अ फ्रूट कस्टर्ड एप्पल मनचली मनचली हम बोलते हैं प्लेफुल गर्ल को या प्लेफुल इंसान को भी पड़ो तितली रानी आती है तितली मीन्स बटरफ्लाई यहाँ पर बटरफ्लाई को रानी कहा गया है बटरफ्लाई क्वीन आ रही है पीली पीली सरसों हैं पीली पीली मीन्स येलो येलो कलर की सरसों हैं सरसों मीन्स मस्टर्ड हैं उसका रस वह पीती है कहते हैं उसका रस वह पीती है जो इसका नेक्टर होता है वह पीती है तीसी लीची फली फली तीसी भी मस्टर्ड सीड्स को बोलते हैं उसका भी रस पीती है लीची फ्रूट का भी पीती है फली मीन्स पॉड्स का भी लेती है चूसती है तितली रानी उधर चली अब ये कह रहे हैं कि जो तितली रानी है वह उधर चली सो इट वॉज ऑल अबाउट दीज थ्री मात्राएँ आप लोगों ने इन तीन मात्राओं को अच्छे से समझा होगा अब आप इन तीन मात्राओं को अच्छे से समझेंगे अच्छे से पढ़ेंगे जब आप इन शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आएगा आप इन शब्दों का मतलब भी समझ पाएंगे और आप इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीखेंगे थैंक यू